लगता है इन दिनों टीवी सीरियल्स के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। हाल ही में एक पिटीशन के बाद पहरेदार पिया के सीरियल को ऑफ एयर कर दिया गया था। सरकार के दखल के बाद पहरेदार पिया के शो बंद हो गया, मगर अब लगता है सब टीवी का सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो भी बैन होने की लाइन में खड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की, जो कि अब कभी भी बैन किया जा सकता है। सोनी सबके सबसे पॉपुलर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस के लिए शॉकिंग खबर आई है। इस शो पर बैन लगाने की मांग उठा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा पर ईश निंदक कृत्यों का चित्रण करने का आरोप लगाते हुए इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा बेहद ही पॉपुलर शो है। इसकी TRP हमेशा ही हाई रहती है और इस शो की जबरदस्त फैन फॉलोइंग भी है। SGPC प्रमुख ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा, धारावाहिक ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जीवित स्वरूप का चित्रण कर समुदाय को ठेस पहुंचाई है और ऐसा करना सिख सिद्धांतों के खिलाफ है। SGPC के मुताबिक कोई भी अभिनेता या कोई भी चरित्र खुद के 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ समानता नहीं कर सकता। ये अच्छा विकृत है कि माफी लायक नहीं है। इसके पहले हाल ही में सोनी TV के शो पहरेदार पियाकी को बैन करने के लिए दर्शकों के एक वर्ग ने ऑनलाइन पिटीशन भी शुरू की थी। इसके बाद आखिरकार शो को बंद कर दिया गया। अब देखना यह होगा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC के तारक मेहता का उल्टा चश्मा पर बैन लगाए जाने की डिमांड पर क्या एक्शन लिया जाता है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।